जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तर के किसान हो रहे हैं मालामाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी सब्जी उगाकर हो रहे हैं मालामाल। एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, रंग बिरंगी कैरेटिना कमा रहे हैं पैसा और वेलेटिना गोभी की फसल से कमा रहे हैं मुनाफा। इस वक्त की अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर के किसान हो रहे हैं मालामाल। वहीं विदेशी सब्जी उगाकर ये माल कमाया जा रहा है, रंग बिरंगी कैरेटिना कमा रहे हैं मुनाफा। आपको बता दें कि वेलेटिना गोभी की फसल से भी कमा रहे हैं पैसे। पहली बार विदेशी फसल से किसानों को मिल रहा है लाभ। बट कैरेटिना है और एक वेलेटिना है, जो इसको 2 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। मैं ग्राम सोनाबाल से हूँ, जिला कोंडा गांव। और ब्रोकली 6 साल हो गया, ये 2 साल हो गया। कितना आय होता है इसमें? इसमें है अभी 120 रुपए किलो चल रहा है और ब्रोकली 80 रुपए किलो चल रहा है। बस्तर में इस तरह से खेती करना कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? अभी फिलहाल बाकी लोग को जानकारी नहीं है, ये जो खाने वाले बहुत ही अच्छे से खरीद रहे हैं। टेस्टी भी बहुत बेहतरीन है, प्रोटीन विटामिन भी है इसमें। आपको बता दें कि विदेशी सब्जियां उगाकर यहां पर बस्तर के जो किसान हैं वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ब्रोकली कैरेटिना और वेलेटिना यहां पर उगाकर किसानों की अच्छी खासी कमाई हो रही है और किसान मालामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। जगदलपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर के किसान विदेशी खेती कर मालामाल हो रहे हैं, विदेशी सब्जी उगाकर मालामाल हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता जीवानंद हलदर। जीवानंद, विदेशी सब्जी जो है वो जगदलपुर के किसानों को काफी रास आ रही है, वो बेहद मालामाल हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बस्तर के जो किसान है वो पारंपरिक खेती करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो उसकी खेती करने के बदलाव आ रहा है, और यही कारण है कि आज वो खेत में जो पारंपरिक फसल के अलावा और साग सब्जी से लेकर अन्य फसल उगा रहे हैं। जिस दिनों बस्तर में देखने मिल रहा है, इस दिनों जो बस्तर में जो साग सब्जी को जो मंडी में देखा जा रहा है कि वो विदेशी जो गोभी है, कई रंग बिरंगी गोभी है, जिसकी 1 किलो 150 रुपए से 200 रुपए तक बेच रहा है। तो निश्चित रूप से बस्तर के जो किसान है वो खेती किसान में खासा बदलाव आ रहा है, और यही कारण है कि वो विदेशी जो सब्जी है उसे उगाकर खासा मुनाफा कमा रहा है। जी, क्या कुछ लगता है जीवानंद, इस तरीके की खेती अभी फिलहाल कितने किसान कर रहे होंगे और आगे इसको लेकर क्या कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि और भी जो किसान है वो इस ओर अपना रुख करेंगे? किसानों के माने तो इन दिनों जो बस्तर अंचल में जिस प्रकार कोंडागांव जिले में अधिकतर खेती किया जा रहा है, और वही जो उद्यानिक विभाग की बताए अनुसार आज बस्तर में भी करीबन दर्जन भर ऐसे किसान है जो फसल कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह के किसान जो आगे भी ये इस प्रकार की खेती बढ़ सकते हैं और किसानों को ज्यादा मुनाफा के लिए इस प्रकार की खेती करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से बस्तर ही नहीं, बस्तर के आसपास के जिलों में इन दिनों जो किसान जो है वो फसल में अपनी खेती किसानी में बदलाव ला रहे हैं, और यही कारण है कि वो अपने खेतों में जो धान मक्का गेहूं के अलावा अब अन्य दिनों में भी ये विदेशी जो फसल है ये करने में जुटे हुए हैं, ताकि इनको जो कम लागत में और अधिक का जो आय हो रही है, और इसी कारण बस्तर के किसान जो है अब इन दिनों विदेशी जो खेती है उसी करने में रुचि दिखाई दे रही है। जी 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 मन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपडेट देने के लिए।